हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका साहू। टुडे वी स्टडी अबाउट द टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन उत्परिवर्तन, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं। जो टर्म है म्यूटेशन, वो सबसे पहले साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीस के द्वारा दिया गया था, जब वो अपना काम कर रहे थे ओइनोथेरा लैमार्कियाना के ऊपर। हाउएवर, जो सिस्टमिक स्टडीज है म्यूटेशन के ऊपर, वो 1910 में स्टार्ट हुआ था टीएच मॉर्गन के द्वारा, जब वो स्टडी कर रहे थे ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर को। क्लासिफिकेशंस ऑफ म्यूटेशन, पहला है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन की दिशा के अनुसार दो होते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन और एक होता है बैकवर्ड या रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन में सामान्य से उत्परिवर्ती विकल्पी यानी म्यूटेंट अलील की तरफ जाता है, तो उसे फॉरवर्ड म्यूटेशन या अग्र उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है बैकवर्ड म्यूटेशन, इसमें उत्परिवर्ती विकल्पी से सामान्य विकल्पी की दिशा में हो सकता है, इसे बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन या प्रतिलोम उत्परिवर्तन। दूसरा है बेस्ड ऑन सोर्स और कॉज ऑफ म्यूटेशन, इसमें पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में नेचुरली म्यूटेशन होता है, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इसमें एक्स रे, गामा रे या इसके द्वारा म्यूटेशन को इंड्यूस किया जाता है। फोर्थ है बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन सर्वाइवल, ये चार टाइप के होते हैं, लीथल म्यूटेशन, सब लीथल म्यूटेशन, सब वाइटल म्यूटेशन एंड वाइटल म्यूटेशन। तो लीथल म्यूटेशन में जो सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के चांसेस 0% रहते हैं, सब लीथल में 50% रहते हैं, सब वाइटल में 50% से कम रहते हैं और वाइटल म्यूटेशन में 100% सर्वाइवल होता है। फिफ्थ है बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रो म्यूटेशन एंड माइक्रो म्यूटेशन। मैक्रो म्यूटेशन में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं फिनोटाइप में, वो दिखाई देते हैं, जैसे कि कलर ऑफ फ्लावर, हाइट ऑफ प्लांट, इसमें चेंज होंगे तो वो दिखाई देंगे। दूसरा है माइक्रो म्यूटेशन, इसमें जो भी फिनोटिपिकल चेंजेस होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज जो फ्रीक्वेंसी होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने का, वो बहुत कम होता है, 10 to the power -6 उसकी फ्रीक्वेंसी।